हे गाइस वेलकम बैक, कैसे हो आप सब लोग। पिछले कुछ दिनों से एक पेनी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया है, बिकॉज अगर आप उसका पास्ट बिहेवियर देखो कुछ दिनों का, तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है। बिकॉज पिछले काफ़ी दिनों से ये स्टॉक जो वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव लिस्ट के अंदर आ रहा है, एंड इसे अगर आप वॉल्यूम देखो तो लिस्ट में टॉप कर रहा है। ऑलमोस्ट डेली करोड़ों शेयर्स जो है ट्रेड हो रहे स्टॉक के। इस स्टॉक का नाम है दोस्तों सुजलॉन एनर्जी। अब दोस्तों ये जो जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इस सेक्टर का वैसे भी काफ़ी चर्चा है मार्केट के अंदर, और इसे जो फ्यूचर का सेक्टर बताया जा रहा है, इसे फ्यूचर बताया जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है। अब देखिए दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी बहुत ही पुरानी कंपनी है, और अगर मैं इसकी कुछ सालों से अगर इसकी रिटर्न की बात करूँ तो ये फिलहाल जो स्टॉक है 14 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर पिछले कुछ सालों से ये जो स्टॉक इसका 2 रुपए का लो था, अब ये जो 14 रुपीस हो चुका है, तो ऑलमोस्ट कुछ सालों के अंदर ये जो मल्टीफोल्ड रिटर्न दे चुका है। बट अगर मैं पिछले कुछ एक महीने की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 40% से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखा चुका है। अब ऐसा क्या हो गया अचानक सुजलॉन एनर्जी के अंदर ये इतना ज़्यादा रिटर्न देने लगा है, और अब जो है लोग बात कर रहे हैं जो 2 रुपए से 14 रुपए तक ये जो इसका सफ़र हुआ है, अब ये जो स्टॉक आगे जो 14 रुपीज़ से 50 रुपीज़ 50 से 70 100 150 तक जा सकता है। अब काफ़ी लोगों को थोड़ा हैरानी हो सकती है, एक पेनी स्टॉक ये बढ़ सकता है 20-25 रुपए तक जा सकता है, बट ये ट्रिपल डिजिट तक क्यों जाएगा। अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊँ तो सुजलॉन एनर्जी एक ऐसा स्टॉक था जो 2008 से पहले 350 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़े लेवल पर ट्रेड कर रहा था 2008 के बाद, जो लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ उसके बाद इसके अंदर बहुत सारा डेट था, इसके कारण ये जो स्टॉक गिरने लगा, एंड उसके बाद ये जो 2 रुपए के आसपास तक इसने जो लो बनाया था। अब इसके अंदर अगेन चर्चा हो रही है कि अब इसका डेट कम होता जा रहा है, अब ये जो अगेन जो 150-200 रुपए की कैटेगरी के अंदर फिर से जा सकता है, एक मल्टी बैगर शेयर बन सकता है। तो क्या दोस्तों सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में सुजलॉन एनर्जी एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है? क्या आपको करोड़पति बना सकता है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर शॉर्ट में एनालिसिस करते सुजलॉन एनर्जी का। देखिए दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी अपने आप में एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर, एक ऐसी सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम करती है जिसके अंदर इंडिया आजकल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी बेसिकली काम क्या करती है? अब बेसिकली ये जो एक विंडमिल बनाती है, जो कि जैसे कि आपको पता है कि पवन चक्की जो होती है, जो कि विंडमिल्स होती है जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इस टाइप की जो कंपनी काम करती, काफ़ी सारे इनके प्लांट्स से 17 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ये इनका प्रेजेंस है, जैसे कि यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज़ के अंदर ये काम करती। 1900 से ज़्यादा इनका क्लाइंट बेस है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम है, जैसे कि रिलायंस, बिरला, टाटा, आईटीसी, जैसे बड़े बड़े कंपनीज इनके साथ जो जुड़े हुए हैं। आज के टाइम पे जो 20,000 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, तो ये इतनी बड़ी कंपनी, और ये कंपनी पिछले 28 साल से इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर काम कर रही है। एंड दोस्तों, यहाँ पर जो सुजलॉन एनर्जी का जो मार्केट शेयर है, क्यूमुलेटिव मार्केट शेयर 34% तक के आसपास है। अब देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्यूमुलेटिव मार्केट शेयर वो होता है कि आज तक जितने प्लांट्स यहाँ पर उन्होंने लगाए, तो उसमें से इंडिया के अंदर जितने प्लांट्स है उसमें से इनका मार्केट शेयर कितना है, तो आज तक की बात हो रही है। अगर हम लोग आज यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, या फिर पिछले साल में कितना मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ में ये जो कंपनी शायद पीछे नज़र आती होंगी, नज़र आएगी। बिकॉज ये पिछले काफ़ी सालों से काम कर रही है, तो इनका वैसे मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा है, बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा तो इनका मार्केट शेयर उतना ज़्यादा नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर सुजलॉन पिछले कुछ सालों पहले, जब 2008 से पहले इनका अगर आप चार्ट देखो, तो ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, एक टाइम था 2008 से पहले ये जो 350 के आसपास ट्रेड कर रही थी, बट 2008 में जैसे कि आपको पता है लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ था, उसके बाद जो भी कंपनीज के बड़े बड़े डेट है, जो कंपनी बबल में नज़र आ रही है, सारी कंपनी जो तुरंत गिरने लगी, एंड उसके अंदर ये कंपनी सुजलॉन एनर्जी भी गिरने लगी थी, बिकॉज इनका एक डेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, 13,000 तक के इनके डेट्स थे, एंड इसी के चलते ये जो कंपनी के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में गिरावट हुई। एंड उसी सेम ईयर 2008 में जैसे ये गिरने लगी, तो 350 से लेकर 2008 का एंड आते आते ये जो कंपनी 50 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करी थी। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी गिरावट इस कंपनी के अंदर हुई, एंड उसके बाद जो है धीरे धीरे ये कंपनी कुछ सालों में जो 2 रुपए के आसपास इनका जो इन्होंने लो बनाया था,
तो जी या उसके बाद ये इनकी चर्चा जो खत्म से होने लगी, बट रिसेंट कुछ पास्ट ईयर्स के अंदर इंडिया के अंदर ग्रीन एनर्जी के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चाएं होने लगी है, तो इस कंपनी इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो कंपनीज काम कर रही है उनका फ्यूचर आगे जाके जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है। तो इस कंपनी का नाम आगे आना तो ऑब्वियस सी बात थी, बिकॉज सुजलॉन बहुत ही बड़ी कंपनी है। अब देखिए दोस्तों, जो टावर होते हैं जो विंडमिल्स बनाने के लिए जो टावर्स होते हैं, उसके बाद उनकी जो विंडमिल्स के जो फैंस होते हैं उसके अंदर का जो मोटर होता है, ये सारी जो कंपनीज बनाती है या फिर आउटसोर्सिंग करवा लेती है, और फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। काफ़ी सारे अलग अलग गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलने वाले इसे कहा जा रहा है। इसी के चलते दोस्तों ये जो कंपनी पिछले महीने एक महीने दो महीने से जो है कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और 40% से भी ज़्यादा के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे चुकी है। और अभी बात हो रही है दोस्तों, इसे अभी है स्टॉक मिल रहा है, पेनी स्टॉक 14-15 रुपीज़ के आसपास है, इसे अभी आप पकड़ लो, ये स्टॉक आगे जाके 10 गुना और ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, यानी कि 100-150 रुपये के आसपास जाके भी ट्रेड कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई, इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर, बैलेंस शीट क्या कहती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रमोटर की होल्डिंग क्या कहती है, इस सारे चीज़ों को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, देखेंगे एंड उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हो अपना एनालिसिस करके कि क्या आपको इसमें सच में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको स्टॉक करोड़पति बना सकता है या फिर इसको आपको जो है अवॉइड ही करना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप स्टॉक का पी देखो तो यहाँ पर ये जो है P107 निकल के आ रहा है, जो कि सही नहीं लग रहा है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पी है 107। एंड अगर आप देखो पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखो तो ये भी माइनस में है, -5.96, जो कि इम्प्रेसिव नहीं है। एंड अगर आप प्रमोटर होल्डिंग भी देखो तो ये भी 14.5% निकल के आ रहा है, जो कि अगेन इंप्रेसिव नहीं है, राइट। सो अगेन कोई बात नहीं, हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर देखो तो सेल्स यहाँ पर जो कंपनी का है 655 करोड़ था मार्च 2020 में, तो ये जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ नज़र आ रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। ये जो मार्च 2022 आते आते ये जो 655 करोड़ था, ये जो 2474 करोड़ होते हुए नज़र आ रहा है सेल्स, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ तक नज़र आ रही थी। बट उसके बाद जून से लेकर मार्च, ये पिछले 4 क्वार्टर का जो अगर आप रिजल्ट देखो तो सेल्स देखो तो बेसिकली कुछ खास नहीं है, ये फ्लैट लेवल में नज़र आ रहा है, 1300 से लेकर 1700 के बीच में है, ओके। तो यहाँ तक ये ग्रोथ नज़र आ रही थी, बट अगेन यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 2474 का ये जो सेल्स है उसके अंदर अगर आपका नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का आपको देखना है तो ये थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम में जा सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो ये नेट प्रॉफिट जो है सेम ईयर मार्च 2022 में 2474 का ये जो सेल्स किया है उसके अंदर नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो ये -206 का है, ओके। और पिछले कुछ क्वार्टर का भी कुछ खास नहीं, 38-12-4। बट अगर आप अगले क्वार्टर देखो जून 2022 में तो यहाँ पर सेल्स कंपनी का कम है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, 1381 का सेल्स है करोड़्स का, एंड यहाँ पर उसी सेम सेल कम होने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट में काफ़ी इंक्रीज नज़र आता हुआ है, 2433 करोड़ का नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो सेल्स कम होने के बावजूद भी माइनस से प्लस में इतना बड़ा बढ़ोतरी कैसे आपको नज़र आ रही है, तो उसका एक कोई रीज़न नहीं, दूसरा एक बहुत ही सिंपल रीज़न है। यहाँ पर अगर आप देखो तो अदर इनकम के अंदर एक बहुत ही बड़ा चंक यहाँ पर ऐड हुआ है 2472 करोड़ का, तो ये अदर इनकम की वजह से यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, अदरवाइज कोई भी रीज़न नहीं है। अब अदर इनकम क्या हो सकती है, जो मेन बिजनेस है कंपनी का वहाँ से ये पैसा नहीं आया, अलग कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कुछ रिसोर्सेज बेच दिए, कुछ एसेट्स बेच दिए, कुछ कंपनी का जो पिछला वाला जो ड्यू था वो अभी आ चुका है, ऐसा कुछ हो सकता है। इसी के वजह से यहाँ पर ये जो है नेट इनकम जो है नेट प्रॉफिट बेसिकली बढ़ा है। अगेन नेक्स्ट अगर फिर क्वार्टर देखो तो फिर अगेन वो 56-78, तो नॉर्मल जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें कुछ खास नहीं दिख रही आपको बढ़ोतरी। अगेन यहाँ पर मार्च 23 में अगेन नेट प्रॉफिट थोड़ा बड़ा है 320 करोड़ का, बट अगेन यहाँ पर भी सेम ईयर देखो तो अदर इनकम यहाँ पर 257 करोड़ रुपीज़ उनके पास आए, तो ये बेसिकली इसलिए हो रहा है ये नेट प्रॉफिट इतना दिख रहा है बिकॉज ऑफ अदर इनकम। तो अदर कोई चीज़ नहीं है, बस नेट प्रॉफिट इसलिए बढ़ा है बिकॉज अदर इनकम कुछ यहाँ पर अलग अलग सोर्सेज थे आई है। एंड अगर आप जो है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो कुछ पिछले सालों का, तो कई सालों पहले जैसे मैंने आपको बताया कंपनी काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही थी, तब यहाँ पर 2012 में वगैरह इनका सेल्स था ईयरली 21,000 करोड़ के आसपास, धीरे धीरे ये जो कम होती गया, या तो 2019 तक यहाँ पर ये जो है 5,000 करोड़ के आसपास सेल्स आ गया था। बट जैसे लॉकडाउन आया उसके बाद ग्रीन एनर्जी की ज़्यादा बातें होने लगी, उसके बाद ये जो है काफ़ी अच्छा इनका सेल्स भी बढ़ा, इसके ऊपर इम्पैक्ट भी हुआ। यहाँ पर अगर देखो 2900 से लेकर ये जो धीरे धीरे अब जो अगेन 5,900 करोड़ के आसपास आ चुका है इनका सेल्स ईयरली,
ओके तो ये डेफिनेटली यहाँ पर सेल्स अभी थोड़ा सा अगेन 4 सालों से पिछले एक बूस्ट जरूर देखने मिला है, बट अगेन इस साल का ये जो अगर आप देखो तो ये नेट प्रॉफिट इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है 2887 करोड़ का बिकॉज ऑफ द अदर इनकम विच दे हैव रिसीव्ड 2740 करोड़ का, राइट। तो इसके वजह से यहाँ पर ये जो है नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा दिख रहा है, अदरवाइज ये नेट प्रॉफिट इतना बड़ा नहीं था, पिछले साल तो ये उन्हें माइनस में भी था। सो ये यहाँ पर एक थोड़ा कंसर्निंग चीज़ है, डेफिनेटली कंपनी ग्रो कर रही है बट कुछ अदर इनकम को छोड़ के थोड़ा थोड़ा कंपनी ग्रो होते नजर आ रही है, बट इतना भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही जहाँ पर ये जो मल्टी बैगर 100 रुपीज़ या फिर 150 रुपीज़ कुछ इस तरीके से ट्रेड करे। तो डेफिनेटली यहाँ पर पंप किया जा रहा है स्टॉक्स को, ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे डेफिनेटली स्टॉक बढ़ सकता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली आप कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले सकते हो आपका रिसर्च करके, मैंने आपको बस सामने बैलेंस शीट डेटा दिखा दिया है। एंड अगर आपको लगता है कि यार इतना तो पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है, थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप छोड़ दो तो, बट यहाँ पर एक चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखनी चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है कंपनी पे कर रही है काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि एग्जांपल अगर किसी एक साल का लगा लो, जैसे कि मार्च 21 का लगा लो, तो ये नेट इनका जो प्रॉफिट है 104 करोड़ है, बट उसी सेम साल उन्होंने जो 996 यानी कि 996 करोड़ का बस इंटरेस्ट ही पे किया है। तो ये काफ़ी डिस्पैरिटी आपको नज़र आ रही है, 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट और उसमें 996 करोड़ का यहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट ही दिया है। और धीरे धीरे डेफिनेटली कंपनी यहाँ पर कम कर रही है, यहाँ पर आप देखो तो ये पूरा आधा हो चुका है, 421 का इंटरेस्ट यहाँ पर उन्होंने पे किया है मार्च 2023 में। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छी बढ़ोतरी आपको नज़र आ रही है, धीरे धीरे कंपनी प्लस में आ सकती है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म हुए तो आप डेफिनेटली इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके सोच सकते हो, बट जैसे आपको यहाँ पर कंपनी के अंदर कुछ होप दिख रहा है, वैसे यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स को होप नहीं नजर आ रहा है। यस, बिकॉज अगर आपको इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर अगर आप देखो तो पिछले 2020 से लेकर जून 2020 के अंदर इनका प्रमोटर की होल्डिंग थी 18.94%, जो घटते घटते तो ये 2023 में आ चुके 14.50%। एंड यहाँ पर ही किसकी हिस्सेदारी बढ़ रही है, पब्लिक की डेफिनेटली यहाँ पर 16.7173% थी, अब यहाँ पर जो 72.3% यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी हो चुकी है। तो यहाँ पर प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे और पब्लिक यहाँ पर स्टेक्स खरीद रही है, तो डेफिनेटली यार ये सोचने वाली बात है। आप डेफिनेटली अपना खुद का रिसर्च करो, कंपनी ठीक ठाक ग्रो कर रही है, फ्यूचर कंपनी का ब्राइट है, जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है डेफिनेटली अच्छा सेक्टर है, बूमिंग सेक्टर है, बट आपको ऐसा नहीं है सोचना है कि यार एक बहुत ये रातों रात आपको करोड़पति बना देगा या फिर 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करने लगेगा, कभी भी ये फिर से अगेन गिर सकता है स्टॉक, अगेन यहाँ ये बिकॉज ये काफ़ी वोलाटाइल कंपनी, कंसिस्टेंट ग्रोथ ऐसी कोई नहीं नज़र आ रही है, ठीक ठाक ही दिख रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोच के समझ के आप अपना डिसीजन ले लीजिए। चलिए गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतना, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।